गुड मॉर्निंग। बात हो रहा था पिछले लेक्चर में डिटरमिनेंट भी हम लोग सॉल्व किए थे, क्वेश्चन बनाना, वो नंबर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाए थे, बताए थे जो इस तरह का जैसे डिटरमिनेंट में क्वेश्चन रहता था 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह का जो नंबर वाला क्वेश्चन था ये हम सॉल्व करके बता दिए थे। इसके बाद आज का टॉपिक होगा हमारा जो भी डिटरमिनेंट एक अलग फॉर्म में होता है, एक अलग फॉर्म में ए बी सी वाला देखते होंगे जो प्रूफ करने दिया हुआ क्वेश्चन 6, 7, 8 से लेके सब में, वो कैसे बनता है। बस तीन स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप देखना है कि वो जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसमें 0, 0, 1 देखना है। क्या देखना है? 0, 0, 1। समझाते हैं यहां से, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा देखना है कि किसी में भी 0, 0, 1 इधर भी कुछ कुछ एलिमेंट रहेगा, या तो ऐसे 0, 0, 1 रहे या फिर ऐसे 0, 0, 1 रहना चाहिए, 0, 0, 1 ये सब में एलिमेंट रहेगा। यहां देखना है 0, 0, 1 किसी भी तरह क्वेश्चन में कम से कम 0, 0, 1 रहना चाहिए। अगर नहीं मिले, अगर ये नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, तो इसके पहला स्टेप क्या होगा, यानी इससे पहला स्टेप होगा हमारा किसी भी तरह से क्वेश्चन में 1, 1, 1, 1 फिर यहां पर एलिमेंट रहे, या तो 1, 1, 1 रहे ना, या जरूरी नहीं है सिर्फ रो में रहे, कॉलम में भी रहे 1, 1, 1 और इस तरह से भी रह सकता है। पहले देखना है क्वेश्चन में 0, 0, 1 एक भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। उसके बाद यहां नहीं मिलेगा तो उससे पहला स्टेप चेक करना किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन में 1, 1, 1 रहे, ठीक है। यहां पर आ जाएगा, यहां से यहां जाना बहुत ईजी है, बता देंगे कैसे जाते हैं। यहां से यहां चल जाएंगे और जैसे यहां पहुंचेंगे तो डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाता है, पूरा बताएंगे कैसे सॉल्व होता है। ये 1, 1, 1 होना चाहिए। अगर ये भी नहीं रहेगा तो इसके पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें हर जगह पे कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे। करना क्या है, किसी भी तरह से ना इस एलिमेंट को जोड़ घटाव करके इसमें इसको घटा के इसमें इसको, किसी भी तरह से वो कैसे होता है अभी हम करके बताएंगे। किसी भी तरह से इस एलिमेंट को इधर में 1, 1, 1 बना देना है। वो कैसे बनाते हैं बताएंगे। 1, 1, 1 बना लेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे सेकेंड स्टेप में, जैसे ही सेकेंड स्टेप में पहुंचेंगे थर्ड स्टेप पहुंचना बहुत आसान है। मेन जो है ना काम इसी को 1, 1, 1 बना देना, यानी इसमें या तो रो वाइज 1 लाना है या फिर कॉलम वाइज 1 ले आएंगे, या तो रो वाइज और ये कॉलम वाइज 1 लाएंगे। जैसे ही ये इसमें है थोड़ा सा दिक्कत है इसमें है, इसको किसी भी तरह से 1, 1, 1 बनाना, यहां बन गया तो यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंचने के बाद तुरंत यहां पहुंचा देंगे। कैसे होता है ये समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। किसी हर एक क्वेश्चन में चेक करना है या तो रो वाइज या कॉलम वाइज 0, 0, 1 रहना चाहिए। ये जब रहता है ना 0, 0, 1 तो ये वाला और ये वाला रिमूव हो जाता है, फिर तो ही चार एलिमेंट बच गया ना, इसको सॉल्व करना तो जानते हैं, इसको इससे इंटू, बीच में माइनस, इसको इससे इंटू। अगर ये देखना है यहां तक पहुंचना है, ये नहीं मिलेगा एक भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, उससे पहला वाला स्टेप यहां पर दिया हुआ है 1, 1, 1 तो बहुत जगह दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये भी दिया है। अगर ये भी नहीं किसी में दिया है तो यहां पर चले आएंगे। आज जो क्वेश्चन में आपको 1, 1, 1 दिया हुआ है उस तरह का सारा क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके दें, दो चार बना देते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में ना इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तीनों तरह का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो अभी हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए तो किताब में 7 बुक तो निकाल ही लिए होंगे इतना देर में आपने।
क्वेश्चन 6, 7, 8 नक्शा भी एक जैसा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा डिटरमिनेंट दिया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 7 में ये डिटरमिनेंट मेरा दिया हुआ है। ये कौन सा स्टेप देखने से, अभी 3 स्टेप पढ़ाएगा, 0 0 1 रहना चाहिए, वो नहीं रहेगा तो उसके पहले वाला स्टेप 1 1 1 रहना चाहिए, वो भी नहीं रहेगा तो उससे पहले वाला स्टेप में तीनों में एलिमेंट ही रहे ना, ना 1 1 1 रहे ना 0 0 1 रहे तो कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा। ये कौन सा स्टेप का क्वेश्चन है देखिए, तो देखने से पता चल रहा है ना 1 1 1 है, यानी सेकंड स्टेप का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप से कहां जाना है, थर्ड स्टेप में यानी 0 0 1 में, वहां पहुंचेगा तो बहुत आसान है। तो इसको पहले हम लोग 0 0 1 कैसे बनाएंगे समझिए, इसको क्या कहते हैं, रो 1 रो 2 रो 3 इसको रो कहते हैं, और ऐसे जो लाइन रहता है इसको कॉलम कहते हैं। क्या इसमें इसको हम घटा दें, अगर 1 में 1 को घटा दें, इस 1 में इस 1 को घटा दें तो 0 हो जाएगा, समझ में आता होगा। हम लोग लिखेंगे C1 पोजीशन इज C1 माइनस C2 एंड C2 पोजीशन इज, इसको पढ़ते C2 पोजीशन इज C2 माइनस C3। क्या होता है अभी हम बताते हैं, C2 पोजीशन इज C2 माइनस एंड C2 पोजीशन इज C2 माइनस C3। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। क्या कहता है, C1 पोजीशन में क्या लिखना है, C1 माइनस C2 को ना लिखिए, C1 पोजीशन, C1 में क्या है 1, इसमें इसको घटाना है, इस वाले में इसको घटाना है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी लिख दिए, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि C1 में C2 को घटाएंगे तो C1 ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। C2 पोजीशन क्या है, C2 माइनस 3 ना C3, तो 1 में ये 1 घटेगा तो ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। D माइनस C और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, C3 पोजीशन के बारे में तो कुछ नहीं लिखे हैं, C1 C2 के बारे में लिखे, C3 के बारे में तो नहीं लिखे हैं, इसको उसी तरह लिख देना है 1 C और C स्क्वायर। अब आगे क्या करना है, जो 0 0 1 है ये वाला रो, ठीक है, और ये वाला कॉलम इलिमिनेट हो जाता है, ये वाला रो और ये वाला कॉलम इलिमिनेट हो जाता है, अपने आप को खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है वो भी बता देंगे, यहां लिखेंगे ऑन रिमूविंग, किसको हटा रहे हैं, 0 0 1, देखिए ये वाला जो है ना 0 0 1 ये ऐसे और 1 के सीधे वाला ये खत्म हो जाता है, ये 4 एलिमेंट बस बचेगा, ये ऐसे और 1 के सीधे वाला खत्म हो जाता है। ऑन रिमूव किसको हटा रहे, R1 को ना, R1 एंड और किसको हटा रहे, C3 को, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ना एंड C3, तो क्या बचता है, ये खत्म हो जाता है ऐसे, ये खत्म हो गया, एग्जाम में काट के नहीं दिखा देना है, ये बस हम बताए कि ये खत्म हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये खत्म हो गया, क्या बचा मेरा एलिमेंट वो देख लीजिए, तो ए माइनस बी बी माइनस सी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगला क्या बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही बचा, ये चार एलिमेंट बचा है ना। आइए आगे क्या सॉल्व करते हैं देखना है। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी बी माइनस सी, a माइनस बी इधर क्या b माइनस सी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब हम स्प्लिट करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी में स्प्लिट होता है। अगर हम लिखे इसको a माइनस बी और कितना a प्लस बी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको भी जब हम स्प्लिट करें तो b प्लस सी और b माइनस सी में, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी में, क्लियर है। और जब डिटरमिनेंट में ना हम एक कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें अगर मिल गया तो इससे को जरूरी नहीं कि इसमें भी मिले, एक कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं, एक रो से भी कॉलम ले सकते कॉमन ले सकते हैं, क्लियर है। देखिए तो ये दोनों में a माइनस बी, यहां पे भी है यहां पे भी a माइनस बी, दोनों से a माइनस बी कॉमन नहीं कर लेंगे, कर लीजिए a माइनस बी, मन से समझ रहे हैं ना। इसमें भी b माइनस सी है, इसमें भी b माइनस सी है, इसी कॉलम में है, इसको भी कॉमन कर लीजिए b माइनस सी। अब देखिए बच क्या गया मेरे पास यहां पे, ये तो कॉमन आ गया ना, तो वन, ये दोनों से a माइनस बी तो कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया a प्लस बी, क्लियर है, इससे b माइनस सी बाहर निकल गया, तो यहां क्या बच गया वन, यहां क्या बचा b प्लस सी, ठीक है। अब देखिए तो a माइनस बी b माइनस सी, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो गया वन इंटू बी प्लस सी, ये चार एलिमेंट जब था तो हम सॉल्व करने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, कितना हो गया b प्लस सी, फिर बीच में माइनस a प्लस बी, यानी a ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस b, समझ नहीं आया, देखिए बीच में ये इसको इससे इंटू किया तो कितना हो गया b प्लस सी, इसको इससे इंटू किया b प्लस सी, बीच में माइनस, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी, क्या होगा a माइनस बी बी माइनस सी, इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस a, ये माइनस प्लस माइनस b, ये कट गया, क्या हो गया a माइनस बी बी माइनस सी, और इसमें क्या बच गया c माइनस a ना, c माइनस a, यही तो आंसर था। एक बार देख लीजिए आप लोग इसको, फिर हम रिपीट कर देके सुनाते हैं और एक कुछ क्वेश्चन बताते हैं। इसी तरह ना सेवन एट नाइन टेन सब एक देता है, क्लियर है, एक टेन बना के दिखाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है, ये था सेवन, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या है दिया हुआ है, डिटरमिनेंट वन 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 ए बी सी बी प्लस सी C प्लस ए और A प्लस बी, B प्लस सी सी प्लस ए और है A प्लस बी, क्लियर है। इतना इक्वल टू जीरो प्रूफ करने कहता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा, क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे अभी तुरंत हम बताते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से तो लग रहा है ना कि ये सेकेंड स्टेप का क्वेश्चन है, यानी वन 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 वाला है, इसको जीरो जीरो वन बनाना है किसी भी तरह से, क्या आर वन में आर टू हटा दे, आर वन में आर टू हटा दे, ये जीरो हो जाएगा, वन में वन जाएगा जीरो। आइए
इसको लिखते हैं आर वन पोजिशन इज आर वन माइनस आर टू एंड आर टू पोजिशन इज आर टू माइनस आर थ्री। इसको इसमें घटाएं तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कीजिए, ये वन में वन जाएगा कितना जीरो, आर वन पोजिशन के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये वन में वन ए माइनस बी ए ये घटेगा रो टू जाके इसमें घटेगा तो माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी ये कितना हो जाएगा बी प्लस सी। देखिए तो बी प्लस सी अब माइनस होगा ये वाला सी और माइनस ए, क्या ये कट गया तो बी माइनस ए बचेगा। कैसे सब्ट्रैक्ट किए वो तो समझ में आया। आर टू पोजिशन क्या है, आर टू माइनस आर थ्री ना, ये इसमें इसको घटाएंगे तो ये वन में वन जाएगा जीरो, इस वन में इसको घटाए ये है ना वन और माइनस ये वाला वन तो वन में वन जाएगा जीरो, ये बी में सी घटेगा तो बी माइनस सी बचेगा। क्लियर है। अब ये कितना हो जाएगा ए और ए का देखिए ना, सी प्लस ए फिर माइनस ए माइनस बी, ये ए और ए कैंसिल हो गया सी माइनस बी बचा। क्लियर है। आइए आर थ्री के लिए तो कुछ नहीं ना लिखे हैं, वही लिखा जाएगा वन सी और ए प्लस बी, वन सी और फिर ए प्लस बी। अब हम लिखते हैं ऑन रिमूविंग क्या हटेगा, कॉलम वन और वन के सामने वाला रो, ये जीरो वाला ये कॉलम घटेगा और वन के सामने वाला रो कैंसिल होता है, तो ये कॉलम वन है ना सी वन एंड ये आर थ्री ऑन रिमूविंग सी वन एंड आर थ्री क्या बच गया हमारे पास वो देख ले जरा, हो गया सॉल्व ए माइनस बी बी माइनस ए, क्या बचा यहां पे P माइनस सी और C माइनस बी। क्लियर है, यही चार एलिमेंट ना बचा। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ये तो फर्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करना बताए थे कैसे होता है। चलिए इसको सॉल्व करें, पहले इसको इससे इंटू ना, तो क्या हो जाएगा A माइनस बी इंटू सी माइनस बी, बीच में माइनस एक बीच में माइनस, ये होगा बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या होता है ए सी ए इंटू सी ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, हम माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये सब जोड़ घटाओ इंटू करना आता है, वही फाइव सिक्स क्लास का था, बीच में माइनस, इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, इसमें करें ब्रैकेट में तो ये बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी से एक हो तो माइनस ए बी। क्लियर है, माइनस सी इंटू बी सी बी और माइनस ए प्लस ए सी। अब क्या हो जाएगा, अंदर का साइन ये बाहर में माइनस है, ब्रैकेट का अंदर का सारा साइन को चेंज कर देगा, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस के कारण अंदर सारा साइन चेंज हो जाता है, ये कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी है ना तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, माइनस सी बी है ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस बी सी, प्लस ए सी है ये माइनस के कारण चेंज हो जाएगा माइनस ए सी, क्या प्लस ए सी माइनस ए सी है कैंसिल, माइनस ए बी यहां देखिए प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सब कैंसिल होके क्या आ गया जीरो, प्रूफ हो। इसी तरह अब क्वेश्चन सात आठ नौ दस ग्यारह चौदह पंद्रह सब एक जैसा है, अब सॉल्व कर लेंगे इस तरह का जितना क्वेश्चन था, अगले लेक्चर में ना वो जो वन 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 कैसे बनाना है वो बता देंगे, आज हम बताए वन 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 से जीरो जीरो वन तक कैसे जाना है, और जैसे जाएंगे फिर वो कैंसिल हो जाता है जीरो जीरो वन वाला और इधर वाला कॉलम एक रो और कॉलम कैंसिल हो गया, ये चार एलिमेंट बच जाता है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं।
अगले जो लेक्चर होगा ना वो 111 कैसे बनाते हैं वहां तक पहुंचा देंगे, उसके बाद सारा ही क्वेश्चन आपका डिटरमिनेंट का खत्म हो जाएगा। चलिए थैंक यू। आज जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे ताकि उनको भी हम ग्रुप में जोड़ लें, वो कमेंट में दे देते हैं तो वो आप वो अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ लिख दें 6204907979, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें हमको मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ लेंगे, उसके बाद आप फिर हमसे सॉल्व करवा सकते हैं हर एक क्वेश्चन। चलिए थैंक यू।